रिलायंस रिटेल स्टोर खुलने के कारण जो हमारे जम्मू में खुलने जा रहे हैं और खुल भी रहे हैं, तो उससे लेकर जो व्यापारी वर्ग में काफ़ी एक रोष उनके अंदर पैदा हुआ है, उसी को लेकर आज फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इसी से बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे को बातचीत करने के लिए आई है। इनके प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी से बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये पूरा मसला क्या है। सर, रिजेक्टमेंट का कारण क्या है? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो है रिलायंस जियो स्मार्ट, ये रिटेल सेक्टर में इनको जम्मू प्रोविंस में परमिशन दी है और कम से कम 100 स्टोर जो है खुल रहे हैं, और इससे जो है जो गली मोहल्ले के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो है मैं समझता हूँ वो बंद हो जाएंगे और हमारे जम्मू में बेरोजगारी जो है बढ़ जाएगी, और मैं समझता हूँ इसका असर जो है आम पब्लिक पे भी पड़ेगा। जब बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा और जम्मू के लोगों को उसको निशाना बनाया जाएगा, और जिस तरह के हालात जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जम्मू की बना रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि बड़ा अफसोस आता है कि जम्मू के व्यापारियों को चुन चुन के जो है निशाना बनाया जा रहा है। पहले आप समझ सकते हैं कि हमारे जम्मू के वाइन ट्रेडर्स का क्या हाल हुआ, और बिग प्लेयर आ गए, माफिया हमारे जम्मू में आ गया, और अब बार भी जो है बंद हो गई है, और अब जो है हमारा तरफ निशाना है उनका कि रिलायंस रिटेल स्टोर के अंदर दवाइयां भी खुलेगी, ग्रॉसरी भी खुलेगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होगा, सब तरह की जो सुविधाएं जो है मिलेगी, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो उजड़ जाएंगे और इसका प्रभाव जो है जम्मू के व्यापारियों को काफ़ी तरफ पड़ेगा। लेकिन हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं, हमने पहले भी बार बार एक सरकार से गुहार लगाई थी, जो छोटे शहर है जिनकी आबादी 3 करोड़ से कम है वहाँ ये लागू नहीं होने चाहिए थे। हाँ, अगर आप मल्टीनेशनल मल्टी सिटीज़ में या मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अगर इनमें अगर आप खुलते तो उनका असर नहीं होता इतना, और ऑलरेडी हमारा जो जम्मू स्टेट है और जम्मू कश्मीर यूटी जो प्रदेश है और वो पाकिस्तान का बॉर्डर नज़दीक है और चाइना का बॉर्डर नज़दीक है, वो हर तरफ से डर का मोह रहता है, तो बेरोजगारी जो है ऑलरेडी ज़्यादा है। हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ये स्टोर जो है ये पॉलिसी रिव्यू नहीं हुई, जब बंद नहीं किया, व्यापारी जो है सड़कों पे होगा, धरने प्रदर्शन होंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमें जम्मू बंद करना है, हम जम्मू बंद भी करेंगे, छोटे दुकानदारों को हमारे बचाने का पूरा प्रयास रहेगा।